टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स 30 मार्च टू 4 अप्रैल 2020। पहली खबर है, चीन को मिली एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी। चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई, जो यूरोप, अमेरिका और एशिया में फैली। इसकी वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए स्थगित करने पड़े। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ने एशियाई युवा खेल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 2700 के करीब पहुंच गई है, वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 60 को पार कर गया है। दूसरी खबर है, DRDO ने सिम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया। DRDO ने सिम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया। DRDO के विभिन्न प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया है कि कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को विकसित करने के लिए टेक्सटाइल कोटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी की दक्षता का उपयोग किया जाए, जिसमें कोटिंग के साथ विशिष्ट प्रकार के कपड़े शामिल हों। यह उद्योग बड़ी मात्रा में सूट उत्पादन के लिए तैयार है। मेसर्स कुसुमगढ़ इंडस्ट्रीज कच्चे माल और कोटिंग सामग्री का उत्पादन कर रही है और पूरे सूट का निर्माण दूसरे विक्रेता की सहायता से किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 7,000 सूट है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस पर वीडियो संदेश जारी किया, लोगों को दिया यह सलाह। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में चल रहे लॉकडाउन पर श्री मोदी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना वायरस से लड़ रहे देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने सुबह 9 बजे लोगों के साथ एक वीडियो संदेश साझा किए। इस चुनौतीपूर्ण समय में ये भाव प्रकट हुआ है कि देश एक होकर इस महामारी का सामना कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती या फिर दिया जलाना है। अगली खबर है, सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के जरिए यूज़र्स की मदद करना है, ताकि वे ये जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं या नहीं। यूज़र्स के स्मार्टफोन के लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से संक्रमण का पता लगाया जाएगा। सरकार इससे पहले भी कोरोना कवच नाम के मोबाइल ऐप को पेश कर चुकी है। आरोग्य सेतु ऐप में कई और फीचर भी दिए गए हैं। इसमें दिए गए चैट बॉट की सहायता से आप कोरोना वायरस के लक्षण को पहचान सकते हैं। यह ऐप हेल्थ मिनिस्ट्री के अपडेट्स और भारत के हर राज्यों के कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर की सूची भी देता है। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप यूज़र को खुद को महामारी से बचाने के लिए टिप्स भी देता है। अगली खबर है नासा से। नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिकों को सौर मंडल के कामकाज को समझने में भी मदद करना है। यह भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाने में भी मदद करेगा। यह मिशन 1 जुलाई 2023 को शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के साथ यह भी पता लगाना कि सूर्य कैसे अंतरिक्ष में मौसम की घटनाओं को प्रभावित करता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों को कम करना आसान होगा। सनराइज मिशन में 6
क्यूब सेट्स लगे होंगे जो एक बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन के तौर पर काम करेंगे। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोविड-19 महामारी सबसे बड़ी चुनौती, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह भीषण वैश्विक संकट है क्योंकि यह एक संयोजन है, एक और एक बीमारी है जो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए खतरा है, और दूसरी ओर इसके आर्थिक प्रभाव हैं जिससे मंदी आएगी, और ऐसी मंदी आएगी कि हालिया इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं देखी गई होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव मिस्टर एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मामलों की जाँच क्षमता बढ़ाने, प्रभावितों का पता लगाने, उन्हें अलग थलग रखने और लोगों की आवाजाही को सीमित किए जाने की तत्काल ज़रूरत है। उन्होंने इस दिशा में त्वरित समन्वित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की ज़रूरत बताई ताकि संक्रमण के प्रसार को काबू करने के साथ ही इस महामारी को ख़त्म किया जा सके। अगली खबर पढ़ते हैं जो स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल को लेकर है। तो इसमें लिखा है, भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अचानक पैदा हुए हालात का सामना कर रही है, और यह पर्यटकों के विशेषकर दूसरे देशों से घूमने आए पर्यटकों की बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया एक अहम प्रयास है। इस क्रम में पर्यटन मंत्रालय लगातार सतर्क बना हुआ है और पर्यटकों की ज़रूरतों के आधार पर सहायता के लिए विभिन्न पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, विश्व भर में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुकी है जिसके चलते भारत समेत सभी देशों ने इंटरनेशनल हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 24 मार्च को 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी जो 14 अप्रैल 2020 तक चलेगी। अगली खबर है, अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, ईरान पर बढ़ाएगा परमाणु प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इसके साथ ही तेहरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने साल 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील रद्द करके प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव का माहौल है। अमेरिका ने बीते दिनों एक मिसाइल हमले में ईरान के बड़े कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों ओर से हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अगली खबर है, झारखंड सरकार ने ई पास के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 30 मार्च 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर चलने वाला और स्थानीय तौर पर डिजाइन किया गया है। यह प्रज्ञाम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला यातायात अधिकारी इस ऐप पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच के बाद गाड़ियों को ऑनलाइन ई पास जारी कर सकते हैं। यह ऐप 21 दिन की लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह ऐप फर्जी पास जारी करने से बचने तथा व्यक्तिगत के विवरण को सत्यापित करने में संबंधित अधिकारियों को समर्थन करने में भी मदद करेगा। अगली खबर है, पूर्वी एशिया में बढ़ेगी गरीबी, चीन के आर्थिक विकास भी हो सकता है धीमा, विश्व बैंक ने ऐसा कहा है। विश्व बैंक ने 30 मार्च 2020 को जारी एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में इस वर्ष विकास की रफ्तार 2.1% रह सकती है, जो 2019 में 5.8% थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी से चीन के आर्थिक विकास पर ग्रहण लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक महामारी ऐसी संक्रामक बीमारी के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसके खतरे को एक ही समय में विश्व भर के लोग सामना कर रहे होते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें कहा गया है कि वैश्विक महामारी ऐसी, मतलब जिसको पैंडेमिक कहते हैं, वैश्विक
महामारी ऐसी संक्रामक बीमारी के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसके खतरे का एक ही समय में विश्व भर के लोग सामना कर रहे होते हैं। यह तब फैलती है जब कोई नया वायरस आसानी से लोगों को संक्रमित कर ले और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।